बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये खेल रहे हैं सारे चिड़ी छक्का ही होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो कितनी तैयारी है आपकी? अभी जा रहे हैं, बस किस जगह जा रहे हैं? बस जा रहे हैं, बताने वाली जगह नहीं है, बस जा रहे हैं। बड़ी बात है। तो ये गाड़ी निकाली है, नुमान भाई, अली भाई और साकिब भाई जाएंगे। तो साकिब भाई आ जाएं, चलें, आ जाएं, आ जाएं, एक काम जा रहे हैं हम। बस बताना नहीं है, सरप्राइज है। तो अली भाई चलें, साकिब भाई अंदर है ना, तो बताना नहीं किसी को किधर जा रहे हैं हम। इधर इधर किसी को नहीं बताना, खुफिया दौर है ना। हाँ, खुफिया दौर है ये, खास तौर पर जो है ना उम्र को नहीं बताना। तो बैठे साकिब भाई, आ जाएं जी। जी जा रहे हो? बस एक काम है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम जो है ना आपको बता ही देते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। पहले बताना नहीं था क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज रखना था, लेकिन अब बैठे थे घर में ऐसे ही, तो नुमान भाई की थोड़ी ख्वाहिश थी कि चलें कुछ फास्ट फूड खाते हैं, निकल पड़े हैं इधर। तो अभी हम जा रहे हैं KFC पे झेलम। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो गुड इवनिंग हमारे तमाम व्यूअर्स को, तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को जो उस्मान के इस व्लॉग को देख रहे हैं। ये प्रभाव जनाब अचानक इस तरह बन गया कि मेरी जो है ना वो छुट्टियाँ जो थी ना, तो आज कल लॉकडाउन है, बिल्कुल यही है। तो स्कूल से हमारे स्कूल ऑफ नहीं हुआ जो बोर्ड वाला स्कूल है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत उन्होंने दी है, जैसे बोलते हैं ना कंसेशन आने जाने की, बिल्कुल। तो 3 दिन आए और 3 दिन आप माफ जो है ना वो घर में स्टे किया करें, बिल्कुल। तो छुट्टियाँ जो थी वो मेरी आज लास्ट छुट्टी थी, आज इतवार की। मैंने कहा चलो आज निकलते हैं, बिल्कुल शाम का टाइम है। हाँ बिल्कुल, अचानक ही प्लान बनाया, बिल्कुल सही है। अली भाई भी आज फ्री थे वैसे, तो ये जो है ना मीरपुर जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कौन से कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर। अरे डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट अभी आगे है, सुप्रीम कोर्ट सर जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे भी। आप जो सुपर सीट ना करें काम, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखें, ये स्टेप वाइज आगे आती है। नहीं नहीं इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हमारी दुआ है कि वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, बिल्कुल। तो ये भी आज फ्री थे तो इनको हम साथ लेकर निकले हैं। तो वैसे जो है बिजी होते हैं ये हर टाइम, मतलब जयपुर जो अलीबेग से गुजरात लिंक रोड है, कश्मीर और गुजरात को मनाती है, रोड के बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रास्ता ही है, दोनों अतराफ से नहर के दोनों अतराफ से रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही, तकरीबन पाँच साल होने को आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो मैन शरा है, जो आज़ाद कश्मीर और गुजरात की सरहद को मिला रही है, बिल्कुल तबाहली का शिकार हो चुकी है। अवाम इलाका भी बेशुमार बेशतर मकाम पर अपील कर चुके हैं कि इस रोड की अस्थाली को बेहतर किया जाए और इसे नए सिरे से तमीर किया जाए। बहरहाल इसी सिलसिले में हम उस्मान बशीर साहब के चैनल के तौर से भी अकवाम बाला तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस रोड की तरफ नोटिस लिया जाए और इस रोड की तमीर को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। बिल्कुल, ये रोड देख सकते हैं जी, आप देख रहे हैं कि कैसे खड्डे बन चुके हैं। देखिए इधर ना इस तरफ भी जो दोनों बैंक हैं, बिल्कुल जो हमारी रोड है ना, बिल्कुल नहर पर जन्म जो है इसके दोनों बैंक, राइट बैंक लेफ्ट बैंक, दोनों बैंक जो है वो बिल्कुल अनसिक्योर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन ना होने के बराबर है, और बेशुमार ऐसे हुए हैं हादसा हुए हैं जिसमें गाड़ियाँ यहाँ से स्लिप हो गए और नहर में जा गिरी हैं। जी जी, ये साथ ही हमारा पुलिस स्टेशन है। जी जी बिल्कुल, घर का ये बड़ा पुलिस स्टेशन है, अली बेग पुलिस स्टेशन, तो यहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए सम टाइम कोई यहाँ पे ये जो रूट गुजर रही है, मेरी कल पुलिस डिपार्टमेंट्स के चंद अफिसरान से बात हो रही थी कि उनसे भी मैंने यही मुतालबा किया है कि अगर यहाँ पे कोई डकैती करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 15 से 20 ज्यादा कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मुसाफिर पंजाब के दूर दराज के एरिए से, फिर कश्मीर के लोग जो ट्रैवल करते हैं तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोटली तक, जिन्होंने गुजरात वगैरह जाना हो, जो आप आगे रुकेगा तो ये ब्रिज है जी, ब्रिज की आप देखेंगे ब्रिज कितना डिलेपिडेटेड है, यहाँ ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे जो कम
15 फीट जो है वो गैप है, वापस ले आई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेशुमार जो गाड़ियां हादसा यहाँ पे होते होते हुए हैं, और एक तो बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ था जो अली बेग APS की जो वैन गिरी थी, जिसमें हमारे 15 मासूम बच्चे जो हमारे वो इस नहर की बेरह मौजों के नज़र हुए थे। तो तमाम तर जो जिम्मेदारी जो है वो जो हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट है हुकूमत पंजाब और आज़ाद कश्मीर, बेसिकली जो महकमा नहर जो है वो उसको सुपरवाइज कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन चूँकि ये हमारी इस हदूद में आते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर के हदूद में आते हैं, तो कश्मीर के भी जो हुकाम हैं, जो हुकाम वाले हैं, तो ये कश्मीर वो अगर एम्फसाइज करते हैं कि हमारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैनाल का, जो नहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमारे शराएँ हैं, पुल हैं नहर के किनारे किनारे, अगर इनको ठीक किया जाए तो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है वो कर सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर वो अपने पुलों को ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, इस प्लेस के बारे में बता दें जी, ये जो जिधर से आप गुजर रहे हैं। इस वक्त हम जनाब गुजर रहे हैं, हम बिल्कुल आज़ाद कश्मीर जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान से। बिल्कुल, ये जो ब्रिज है सेंटर में ब्रिज है, हम जो ही पार पहुँचेंगे तो आगे चेक पोस्ट आएगी पंजाब पुलिस की, पिंडर सीज के मुकाम पर। बिल्कुल ऐसे ही, ये जो ब्रिज है ये हमें इस तरफ से जो कनेक्ट करेगा ज़िला गुजरात से, ज़िला गुजरात से। तकरीबन हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात के दूर में दाखिल होते हैं, हो रहे हैं। वो पहले मैं बात कर रहा था, यहाँ पे क्रिमिनल एरिया के हवाले से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को क्राइम की रेशो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ पे एक वारदात हुई थी, पंजाब से आए हुए लोगों को यहाँ पे लूटा गया था, वो महज ये रोड की असहाली की वजह से, क्योंकि लोग मुसाफिर ट्रैवल करते हैं 15 से 20 से ज़्यादा ट्रैफिक, गाड़ी की स्पीड नहीं हो सकती, जिस बिना पर ये क्रिमिनल लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे आगे इसी सिलसिले में चेकिंग शुरू है, ये गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से, बहुत अच्छा कदम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, जहाँ तक आवाम की सिक्योरिटी, आवाम के प्रोटेक्शन का तल्लुक है। बिल्कुल, क्योंकि ये देखें ये है क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट है, और बेशुमार ऐसे बंदों की यहाँ से जो मूवमेंट होती है अफराज के भी, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का तल्लुक है, तो एक अच्छा तल्लुक, अच्छा एक स्टेप है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है उस्मान साहब जी, जी आप रोड की देखिए, रोड बेशक जो है वो खस्ता हाल है, बड़ी मिजरेबल है रोड की जो हालत है, लेकिन एक बड़ी मशहूर बात है कि डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बिल्कुल, यानी जो दिन सख्त रस्ते, कठिन रस्ते अक्सर जो है ये मुंतज होते हैं अच्छे मकाम पर, ये अभी हम रुके हैं इधर पेट्रोल डलवाने के लिए। ये कौन सा मकाम है जी? गुलनवाज फिलिंग स्टेशन, वो तो लिखा हुआ है, अभी नज़र नहीं आएगी इधर से। तो अभी इधर हम पहुँचे हैं जी, तो थोड़ी देर तक अभी सराई पहुँचेंगे, सराई से आगे जेलम जाने हैं KFC पे इंशाल्लाह। ये जनाब गुजरात का ज़िला, गुजरात का बड़ा ही अहमियत का हामिल ये कस्बा है शकीला शरीफ। यहाँ के सदात कराम, यहाँ के उलियाए कराम तसव्वुफ़ में उनका बहुत बड़ा नाम है यहाँ के उलियाए कराम का, और हमारे बड़े अहले सुन्नत के बड़े मशहूर मुकर्रर मुबल्लिग़ जनाब सैयद महबूब शाह साहब का तलक भी यहाँ से है, शकीला शरीफ से। बड़ा ही अहम कस्बा है, और यहाँ पे इस तरफ हम जो है नेशनल इस तरफ हो गए हैं, ये जो है ना शकीला ब्रिज, ये भी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, रिसेंटली ये कंप्लीट हुआ है। तो अभी हम फिर आ गए राइट बैंक पे नैरापुर जन्म के, इंशाल्लाह अब हम रहेंगे पक्के, ये नया रोड है, कंप्लीट रोड है जी जी, अब इसी पर रहेंगे इंशाल्लाह, हम जी न्यूली बिल्ड जाइए, न्यूली बिल्ड रोड है, इसका सम्मान सफल चला भी आराम दे रहेगा। हम सराई फाटक पे पहुंच जाए हैं, और साथ ही GT रोड है, GT रोड पे इंटर होंगे अभी, तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम जेहलम जनाब नहर में बोला है GT रोड पे इस तरफ, यहाँ से दो रोडें निकलती हैं, एक निकलती है मंडी बहाउद्दीन हमारे लेफ्ट हैंड पे, आगे जो यहाँ से जो है ज़िला मंडी बहाउद्दीन 35 किलोमीटर दूर है, घंटे की मसाफत है, वो इसलिए कि जो रोड ख़राब है, रसूल तक रोड ख़राब है, बल्कि आगे मंडी बहाउद्दीन की रोड ख़राब है, और ये जो सीधी है ना आगे
ये जाएगी रावलपिंडी तक, ये रावलपिंडी तक जी, जे रावलपिंडी तक जाएगी, जे रावलपिंडी इससे आगे पेशावर वगैरह। हाँ ये मेन जिटी रोड है जो है, ये हमारे बायां पे जो है ना पाकिस्तान की मशहूर जनाब फौजी दर्शक है, अस्करी दर्शक है, मिलिट्री कंसर्न आलमगीर, मिलिट्री कंसर्न आलमगीर, जहाँ से जो है ना पाकिस्तान के बड़े बड़े मायानाज जर्नल, ब्यूरोक्रेट, सिविल अफिसरान, सफारतकार यहाँ से पढ़ चुके हैं, बहुत ही मशहूर दर्शक है। ये हमारे लेफ्ट हैंड में बिल्कुल आप देख सकते हैं मिलिट्री कॉलेज झेलम, मिलिट्री कॉलेज झेलम जी जी बिल्कुल। तो अभी जो सराई जो है ना सी जी जो शहर है सराई का, जी जी वो आ चुके हैं, वो इंट्रो हो चुके हैं उसमें हम बिल्कुल बजाबता तौर पे। ये जो बाजार है ये बिल्कुल रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर बाजार जो है दोनों तरफ पे, और दाएं हाथ में जो है वो एक अंदरून अंदरून बाजार भी है जो जो पुराना बाजार है आलमगीर का जी, जो इरफान जी जो रोजन जिन्होंने बुक लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो उनका ताल्लुक भी इसी तहसील से है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जो रोड है ना मंडी रोड, बिल्कुल मंडी रोड पर उनका गांव आता है, नहर के किनारे पे, ये पुराना पीछे रह गया जो है वो मंडी रोड पे, और ये यूसी खवार है, यूसी खवार जो कि सबक एम एन ए सबक एम पी है मलक मोहम्मद अनीफ सवान साहब का जो अबाई गाँव है खवार, वहाँ से पुरान खवार जो बड़े मशहूर कस्बे हैं ज़िला गुजरात के, बहुत मशहूर कस्बे हैं और बहुत खुशहाल भी हैं, मोस्टली जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो अमेरिका में सेटल है, कनाडा में सेटल है, स्पेन, इटली, सेंट्रल यूरोप में, बहुत खुशहाल हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, आप समझ देख सकते हैं ऊपर प्लाजा के ऊपर जेलम टोल प्लाजा, ये बिल्कुल जो है ना जो रिवर जेलम है ना दराय जेलम उसके बैंक पर है जो हमारी इंट्रेंस होगी अभी हाईवे पर। तो अभी हम क्यू में खड़े हो गए हैं, तो हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं, तो ये एडवोकेट हैं, तो हाँ जी बाय प्रोफेशन जो है एक एडवोकेट है बिल्कुल। तो हमारा ये फ़ायदा है कि जो अली भाई साथ हों तो इनके पास कार्ड है अपना, तो टोल प्लाजा इनको बिल्कुल फ्री है, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं इनसे कोई टोल नहीं लिया जाता। तो अभी आपको भी दिखाते हैं, ये फिर अपना कार्ड दिखाएँगे, इस टाइम शाम को जो है ना रश होता है काफ़ी ज़्यादा, ये बिल्कुल जो है ना वो राइट साइड पे है मैकडोनल्ड है और ओ पी टी पी है, दोनों बड़ी मशहूर जो है वो ब्रांड फास्ट फूड की ब्रांड है, बिल्कुल इस साइड पे मैकडोनल्ड है और ये ओ पी टी पी है सामने। अच्छा मैं कभी ओ पी टी पी नहीं आया, आप मैं मीरपुर में जो है चेक किए वैसे ओ पी टी पी वहाँ भी खुली है, हाँ मीरपुर में नहीं है मैकडोनल्ड, तो खैर मैं आया हूँ काफ़ी बार। आप जो आज़ाद कश्मीर में मैकडोनल्ड और जो है ना इसकी ब्रांड नहीं है, ये देखें भाई नहीं अपना तो उन्होंने रोके ही नहीं है, और अब हम तारीखी जो ब्रिज है दराय जेलम पे हम वो क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं, हम इसमें एंटर होने वाले हैं। ये गाड़ी क्यों रखी, क्योंकि जो है शाम के टाइम थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन करते हैं पंजाब पुलिस वाले, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये अच्छी बात है इंस्पेक्शन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जो फेमस ये जो मैरिज हॉल होटल है ये ट्यूलिप होटल जी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, सामने ये ट्यूलिप होटल है, ट्यूलिप रिवर साइड होटल, रिवर जो दरिया के बिल्कुल किनारे पे है जी जी, इसलिए इसका नाम जो रिवर साइड है बिल्कुल। आगे जाके इंशाल्लाह और इसके साथ ही हम मिल चुके हैं केंटकी फ्राइड चिकन की, यहाँ पे एक इटरी ब्रांड है जेलम में केएफसी जी जी। तो हम इधर से ड्राइव थ्रू ही लेंगे, ये आपकी मर्जी है ड्राइव थ्रू करना या होटल अली भाई से पूछ लेते हैं क्या डाइन इन कर लेंगे करना है, तो लेट है ड्राइव थ्रू ठीक है क्योंकि हम लेट हम हो चुके हैं काफ़ी, हमने आगे पहुँच चुके हैं, एक पार्टी से मीटिंग है वहाँ पे टाइम लिया हुआ है, मुझे इस बारे में गई नहीं थी लेकिन अचानक कॉल आई है अभी अच्छा पहुँचना है, तो अभी वैसे इधर आप भाइयों की ख्वाहिशात को मैं नहीं ठुकरा सकता था इसलिए। बहुत शुक्रिया अली भाई आपने टाइम निकाला तो हमारे साथ आए हैं, अभी अभी जो आपने ऑर्डर करना है वो वो डील देख रहे हैं आप जो भी ऑनलाइन डील ऑनलाइन मैंने चेक की थी लेकिन उनसे भी पूछ लेते हैं, वैसे इधर लगी हुई है अपडेटेड है पुरानी है नहीं नहीं लगी हुई है इधर फैमिली फेस्टिवल
कि फैमिली फेस्टिवल जो लगी हुई है ये चेक कर लें, ये कुछ चेक करें, ये उनसे पूछ लेंगे, वैसे उधर से पूछते हैं ये नुमान भाई आगे फिर लगी हुई है, बेहतर गाइड कर सकते हैं इस पर। जी वालेकुम सलाम, ये ब्रदर बताएंगे। अच्छा ये जो फैमिली बकेट है इस पे थोड़ा इन्फॉर्म करें हमें। जी सर फैमिली बकेट प्लीज, फैमिली बकेट, फैमिली बकेट 1675 वाले जिसमें 9 पीस चिकन है और इसमें दो क्या है, दो जिंगर बर्गर हैं, ये चार पीस कर चार दें, ये जो 1875 वाली है ये कर दें। ठीक है सर और कुछ? बस यही बस ठीक है। नेक्स्ट विंडो पे आवाज 1875 वाली 4 पीस चिकन है, 2 जिंगर बर्गर्स हैं, 2 डिनर रोल्स हैं। ठीक है जी, नहीं 4 जिंगर बर्गर हैं। ओके नेक्स्ट विंडो पे जाएं, डिनर रोल दो ही नहीं। कनेक्शन प्लीज। अभी हम जी पहुंचे हैं रिसीव करने के लिए, तो भाई वो आगे गए इधर पास आई नहीं, इधर तो पास आए तो लेने गए हैं। वो और कुछ है, वो किसी और का ऑर्डर होगा, हमारा नहीं था। ये हो जाएंगे जी, टिशू वगैरह भी दे जाएं, चिकन पीस भी इसी में है सारे। बहुत शुक्रिया, टिशू टिशू रखे हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो चलें अभी आगे चलते हैं, आगे टिशू है इसमें। अभी हम इधर जीटी रोड के साथ ही एक होटल ही है, इसका नाम है फिश पॉइंट वाले, तो इस पे आके हम इधर बैठे हैं, तो इधर बैठे हैं इंशाल्लाह खाएंगे ये। बाहर सर्दी है तो कह रहे हैं अंदर ही बैठते हैं, तो गाड़ी में हमने सोचा था कि जाते हुए खाएंगे, लेकिन कह रहे हैं किधर ही रुकते हैं, खा के इधर चलते हैं आगे। कभी हिमा भाई निकाले आप, ये जो है ना ठीक है, हमने डील लगवाई है ना, तो इसमें होता है ये जिंगर है जो कि जिंगर है, चिकन पीस होंगे अली भाई जो पाल पे लगे हुए हैं वो। तो अली भाई की जो कह रहे थे टिशू टिशू लगाई हुई थी याद नहीं। चिकन पीसी अली भाई आ जाए, ठंडे हो जाएंगे फिर। बार भाई शुरू करें फिर करें, चलें स्टार्ट करें, बिना तहीर बिना तहीर स्टार्ट करेंगे, अली भाई टेस्ट करें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो ये जनाब इस विज़िट का क्रेडिट जनाब किसको देना चाह रहे हैं आप, इस्लाम साहब से? जी जी ये क्रेडिट जो है नुमान भाई पे जा रहा है। किस तरह? ये जो है ना मतलब कि इन्होंने एक बार बोला था तो फिर मैंने तो अभी हम आ गए जी इधर जनाब चौधरी मोहम्मद सादक साबक चेयरमैन यूनियन कौंसिल भागनगर, साबक चेयरमैन यूनियन कौंसिल भागनगर के जनाब हम होटल पे यहाँ पर मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद सादक साहब,
एक बड़ी मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं और आला रवा इखलाकियात के मालिक इंसान हैं। ये होटल जनाब नहर पर जिलम के किनारे पर वाक़ है और यहाँ पे 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ की जो चाय है दूध पत्ती वो स्पेशली इलाकों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और मुसाफरों के लिए, मुसाफर हजरात यहाँ पे बड़ी तादाद में रुकते हैं और इंटरटेन होते हैं। कूड़ा के पीछे चाय आ गई जी, चाय पीते हैं। चाय 200 डुल भी गई है तो मेहमान भाई कोई बात नहीं, खड़ी बात नहीं। ये भी हम इधर चाय पी रहे हैं तो घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है, ब्लॉग है, इधर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।